लाया था चार डे लेकिन लाया थ्री था अभी पर समोसे लेके आया खाली। सुबह सुबह का नाश्ता चल अनु रख दे 10:30 बजे पब्लिक तैयार हो गई अभी सब रेडी। दूसरा दिन दूसरी जगह तो अभी अजमेर दरगाह के अंदर जाके सलाम करके अब जा रहे हैं अनास सागर। तो दोस्त लोग आगे निकले मैं थोड़ी एडिटिंग और अपलोडिंग कर रहा था तो वो लोग आगे तो जाते हैं अनास सागर तो मिलते हैं वहाँ पर। अभी आप लोग चल के अगर आ रहे हैं अनास सागर तो जो गेट हैगा अजमेर शरीफ का उसके एग्जिट सामने ही जाना है सीधा सामने सीधा जो जाओगे तो एक और गेट आएगा और गेट पार करते ही कुछ 1 किलोमीटर पर ही है अगर चलते जा रहे हो तो आराम से वहाँ पहुँच जाओगे। खड़ी करके जाओगे तो 50 रुपये ले लेगा या फिर 15-20 रुपये ले लेगा तो इससे अच्छा है चल के जाना तुम्हारा बराबर 100 रुपये। हाँ सही है भाई यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है नहीं यहाँ से 1 किलोमीटर ही है। मैंने लोकल लोगों से पूछा है यहाँ से तो वो लोग कह रहे थे शटल या ऑटो करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से 1 किलोमीटर ही है यहाँ चल के आप मुश्किल से 15 मिनट के अंदर वहाँ जा सकते। तो ये हमारे हर बार साजिद भाई साथ में रहते हैं ये साजिद भाई और हमारे अच्छी बनती है तो साजिद भाई बोलोगे कुछ क्या बोला वो अभी हम लोग ने रास्ता तो देखा हुआ साजिद भाई और हम तीन पहले साथ में आ चुके हैं यहाँ पे ये रास्ते पे तो सब भूल चुका हूँ सर अनुभव को याद है हमारे फ्रेंड। तो ये अजमेर शरीफ का मार्केट पार करके एग्जिट सामने है अजमेर शरीफ के ये दरवाज़ा है ये दरवाजे से आपको राइट साइड बल जाना है सीधा ही जाना है ठीक है एकदम स्ट्रेट जाना और चार रस्ते आएंगे चार रस्ते से लेफ्ट में जाएंगे वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है 500-600 मीटर ही। ये हमारे सब ये हमारे हमारे स्टार आ रहे सब अभी यहाँ पे अगर अजमेर आए और आपके पुष्कर जाना है तो ध्यान रखना यहाँ पे काफ़ी सारा लूट डालते हैं यहाँ से 15-20 रुपये लगते हैं और कुछ लोग 300 रुपये कुछ लोग 250 रुपये बोल रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं अगर आप रोड पे चल के आ जाओगे तो आपको वहाँ से 15 या 20 रुपये लेंगे तो वो चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना क्योंकि यहाँ पे किसी की 250 ले रहे हैं किसी का 300 तो आपको खाली घुमा डालते वो चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर। तभी हम लोग यहाँ पहुँचे अनास सागर अभी गेट आगे है सामने की साइड है और जो आपको अनास सागर तारागढ़ से कुछ इस तरह का दिखता था वो रियल में देखो हम लोग जा रहे गेट की तरफ जो कि आगे गेट है वहाँ पे एक गार्डन भी है और ये बोटिंग भी होती है तो वहीं से टिकट होती है तो वहाँ चलते हैं देखते अगर टाइम रहा तो बोटिंग भी करेंगे और आपको जो मिडल में दिख रहा है जाइए जूम करते यहाँ दिखता है यहाँ पे भी जाने की ट्राई करेंगे देखते हैं टाइमिंग पे कि हमारे शाम को फिर 5 बजे निकलना भी है 5 बजे की ट्रेन भी है। और ये अनास सागर का गेट यहाँ से एंट्री होती है तो कुछ ज़्यादा दूर था नहीं हमें यहाँ पे पहुँचने में कुछ 10 से 12 मिनट ही लगे। तो अभी बच गया हमारा 1:30 बज रहे और भाई 12:30 1 बजे के आसपास आए थे अभी 1:30 बज गया है अभी जाएंगे थोड़ा पेट पूजा करने।
और अभी आज भी कुछ फोटो से ज्यादा हो गया है, इंडिया से आया करीब 150-200 फोटो पड़ चुके हैं। एक फिल्टर करेंगे हमारे अन्नू भाई, देख अन्नूड़ा। अभी ये लोग करिए घोड़ा गाड़ी। अरे यहाँ पे साजिद शाहरुख की जगह तो लाइट बैग के ऊपर भी दब गए ये। और ये हमारी घोड़े सवारी में गुड़ मालवा।